विश्व प्रसिद्ध कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल की 892 भागवत कथा का आज गोड़ीपड़ा संस्कृत भवन में उमरगांव विधायक रमण लाल पाटकर जी द्वारा आयोजित शुभारंभ हुआ। इससे पहले प्रथम दिन का भागवत दशांश यज्ञ संपन्न हुआ। सांसद श्री रमण लाल पाटकर जी के निवास के कलशधारी बहनों, राजनीतिक एवं सामाजिक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कथा की भव्य पोथा यात्रा प्रारंभ हुई। नेता कथा का मंगलायम प्रदीप प्रगटीय ममलादार श्री, TDO साहेब श्री, तालुका पंचायत अध्यक्ष श्री, सरपंच श्री, ओ अध्यक्ष लाला भाई, अंकुश भाई कमली, महेश भाई भट्ट द्वारा किया गया। व्यासपीठ के कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल ने कहा कि भगवान दूर वालों को भी बधाई देने का काम करते हैं। उपस्थित अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष भाई ओझा विजय भाई पाटकर, दिलीप भाई पाटकर, टीनाबेन पटेल ने किया। युवा कथाकार विनय भाई नायक ने विशेष संबोधन दिया। मंत्रोच्चारण आचार्य केवल दवे किशन दवे ने किया। कथा का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। कथा विराम के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया था।